हेलो नमस्कार आदर सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल क्लासी प्राची। आई होप कि आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। आज तक मैंने आपको बहुत सारे मेकअप हॉल्स या मेकअप रिव्यू दिखाए हैं, बट एट द फर्स्ट टाइम अपने चैनल पर मैं करने जा रही हूँ क्लॉथिंग हॉल, जो कि होगा मीशो से। एंड मीशो से मैंने पहली बार ही कुछ कपड़े टाइप की चीज़ें मंगवाई हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी लोगों से शेयर करें, साथ ही साथ इसका रिव्यू भी शेयर कर दें कि मुझे ये कैसे लगे, इसका फैब्रिक कैसा है, कलर कैसा है, प्राइस कैसा है और उस प्राइस में हमें कैसा क्या मटेरियल मिला है। तो हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिसने नहीं किया है वो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा है सब्सक्राइब लिख के उसको प्रेस कर दीजिएगा, एंड उसके बगल में बेल आइकन आ रहा है टिंग टिंग उसको भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। एंड साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करिएगा, इस पर कमेंट करिएगा एंड इसको और लोगों को शेयर भी करिएगा। तो ये है मेरी पहली ड्रेस एंड जो आप लोगों ने आई थिंक देखी होगी। तो इसकी हम अगर आउटर पैकेजिंग की बात करें तो जैसे अमेजोन के कपड़े आते हैं वो वाइट कलर के पॉलीथिन में पैक्ड होके, उसी तरह से इसके भी आते हैं। एंड उसके बाद ये एक ऐसे पॉली बैग में होता है। तो दिस इज़ द फर्स्ट ड्रेस जो कि है ये पोलका टॉप। मैं स्क्रीन के साइड पे प्राइस मेंशन कर दूंगी कि ये कितने रुपए का मिला था मुझे। एंड इसका जो कपड़ा है वो जॉर्जेट में, और ये ड्रेस एक तो मुझे वाइट एंड ब्लैक से वैसे भी बहुत मोहब्बत है, प्लस ये पोलका डॉट्स स्पेशली इस चीज़ को मैंने खरीदा था कि मुझे एक रेट्रो लुक क्रिएट करना था। एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियोस कि रेट्रो लुक एंड पोलका डॉट एक कॉम्बो टाइप का लगता है, तो इसलिए मैंने खरीदा था इसको। प्लस इसकी जो स्लीव्स थी, मेन चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करी थी वो इसकी स्लीव्स थी, वो जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हैं। और इसमें इतने सारे फुंदड़ी हैं, मतलब इतने सारे इसमें थ्रेड वर्क है। यहाँ वाला थ्रेड वर्क जो है वो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि इसको बस ये ऐसे टाई करने के लिए इसका कोई सेंस नहीं है। एंड फिर ये हाथ पे पूरा ये थ्रेड वर्क, फिर यहाँ पर एक थ्रेड वर्क, मतलब जितने भी ये फ्रिल्स है वो पूरी आपकी थ्रेड वर्क से ही जुड़ी हुई हैं। और ये हमें फ्रिल वर्क में बेल स्लीव्स मिली हैं। इनका कपड़ा जॉर्जेट है एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, और इसमें अंदर आपको एक अस्तर टाइप का भी मिल रहा है, जिससे ऐसा भी नहीं कि आपको कुछ दिखाई पड़ेगा, ट्रांसपेरेंसी होएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसको वैसे तो आप जीन्स के साथ बहुत ही अच्छे से कैरी कर सकते हैं, इसको वाइट जीन्स पे या फिर ब्लैक जीन्स पे पहनो तो बहुत अच्छा लगेगा। प्लस अगर हम आजकल की ये लड़कियों टाइप वाली ड्रेसिंग की बात करें तो इसको आप साड़ी के साथ वेयर करिए। लाइक आप अगर सीरियल वगैरह में देखो तो आजकल ये बहुत ट्रेंडिंग है, कुछ वो टॉप टाइप का पहन लेंगे बहुत ही फैंसी सा, और उसके ऊपर एक हल्का सा पल्लू डाल के साड़ी, तो उसके लिए भी ना ये बहुत ही परफेक्ट है, बहुत ही प्यारा सेट लगेगा अगर आप उसको ट्राई करेंगे। आई एम डेफिनेटली ट्राई, और जब भी मैं ऐसा कुछ ट्राई करूंगी ना तो मैं आपको डेफिनेटली दिखाऊंगी। और इसका फुल नेम है व्हाइट पोलका डॉट्स विथ स्लीव्स नॉट, मतलब ये नॉट्स हैं इसमें, खूब सारी नॉट्स हैं। और इसका जो कोड है, प्रोडक्ट कोड, एज मीशो में प्रोडक्ट कोड होता है, तो वो मैं आपको मेंशन कर दूंगी इनमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो अगर आप लेना चाहते हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो, तो प्लीज़ वहाँ से जाके आप परचेज भी कर सकते हैं। इसमें जो मैंने अपना साइज़ लिया था वो एल लिया था, एंड कहीं ना कहीं मुझे हल्का सा लूज़ भी है, मतलब अगर मैं मीडियम लेती तो मुझे परफेक्टली फाइन आता, बट इसमें चार आपको साइज़ अवेलेबल हो जाते हैं, एस एम एल एंड एक्सएल, तो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा लूज़ पहनने का शौक है तो एक नंबर बड़ा, और अदरवाइज़ अपने फिटिंग का। नेक्स्ट ड्रेस है ये, और ये एक गाउन है, इट्स अ टाइप ऑफ गाउन, बट एक्चुअली में ये आपको स्कर्ट टॉप लगता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैंने भी इसको सिर्फ लुक में देखा था, लाइक पिक्चर में देखा था, तो मुझे भी और मेरी मम्मा को भी ये स्कर्ट टॉप ही लगा था। दिस इज अ वाइट ड्रेस विथ फ्लोरल प्रिंट एंड अपर रेड। बोले तो यहाँ पर ये हमारा अपर जो पोर्शन है वो पूरा रेड कलर का है, एंड नीचे इसमें आपको ये फ्लोरल डिजाइन मिली है जो कि बहुत ही प्यारी लगती है। एंड इसका जो फैब्रिक है वो भी काफ़ी मोटा है, आई मीन ऐसा नहीं कि बहुत ही पतला एंड ट्रांसपेरेंट एंड झिन्ना टाइप का लगे, इसमें मैंने साइज इतना मीडियम लिया हुआ था। एंड दिस इज़ फ्रॉम राबता फैशन, एंड इसमें साइड में आपको ये हाफ साइज़ की चेन मिलती है, जिससे आपकी फिटिंग में कोई भी इशू नहीं होगा, आप इजिली पहन सकते हैं। बस मुझे इसमें एक इशू लगा था, इसकी जो चेन है ना वो अंदर टाइप साइड में फंस जाती है, मतलब यहाँ से ऐसे कोई सही से स्टिचिंग नहीं थी कि आपकी चेन ऊपर ही अटकी रहे, तो मुझे बस ये लगा था इसकी चेन बहुत ही अंदर घुसी हुई थी और उसको निकालने में ना काफ़ी मेहनत लगी थी। इसका जो फैब्रिक है वो क्रेप फैब्रिक में, एंड इसमें जो मेरा साइज़ है वो मीडियम है, बट मुझे ये थोड़ा सा लूज़ था, और इसको मैंने थोड़ा सा ऑल्टर करने का भी ट्राई किया था, एज मैं खुद से ही घर पर ऑल्टर कर लेती हूँ, तो मैंने वही ट्राई किया था, बट सिर्फ एक साइड से ही ऑल्टर हो सकता है,
क्योंकि एक साइड आपकी जो चेन साइड है उसमें आप ऐसे नहीं कर सकते हो खुद से, मतलब अगर आप सुपर टैलेंटेड नहीं हो मेरी तरह लाइक नॉर्मल आपको पता है तो फिर आप एक साइड से चेन वाली साइड से ऐसे नहीं कर सकते हो। तो मेक श्योर कि आपने फिटिंग का ही मंगवाएं। मेरा वैसे मीडियम आ जाता है बट अकॉर्डिंग टू मी ये दिस टाइम मीडियम मेरे को थोड़ा सा लूज पड़ रहा था एंड इसकी लेंथ वगैरह बहुत ही परफेक्ट थी। अगर आप हील्स वगैरह में पहनते हो मेरे जैसे बंदे के लिए बहुत ही परफेक्ट लेंथ का था। और या अगर कोई लंबी लड़की होगी तो मे भी उसे थोड़ा सा शॉर्ट पड़े या एंकल लेंथ तक आए या फिर हील के साथ वो थोड़ी सी नॉर्मल है, बट मेरे जैसे हाइट के लिए सही था, परफेक्ट था। थर्ड ड्रेस है ये और आप लोगों ने आई थिंक मेरे पास बहुत सारे ग्रीन कपड़े देखे होंगे। आई एम नॉट बिग फैन ऑफ ग्रीन कलर बट पता नहीं क्यों इससे मेरे पास ग्रीन कलर के कपड़े बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी आने लगे हैं। अच्छा मुझे ये ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद आई थी बिकॉज इट्स अ टू पीस सेट टॉप एंड बॉटम एंड इट्स सुपर डिज़ाइनर। तो ये है आपका टॉप एंड इसमें आपको बैक साइड में ये चेन मिलती है अलॉन्ग विद ये ऐसे यहाँ पर हुक भी मिलता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको खुलने का इशू लगेगा और इसमें आपको ये इनर पैलेट भी मिल रहा है विच इज़ अ वेरी गुड थिंग ऐसे ये स्ट्रैपी चीज़ों के लिए। ये बैक साइड में आपको ये नॉट बांधने के लिए चीज़ मिल रही है, आप इसे नॉट बांधिए और ये बहुत ही ज़्यादा डिज़ाइनर लगेगा। और अगर आप इस तरह की स्ट्रैपी चीज़ पहनने के लिए कंफर्टेबल नहीं है तो आप कुछ इनर वेयर नेट के होते हैं उनको आप ले कर कम्फर्टेबली इसको पहन सकते हैं, जो कि मैं भी शायद करूँ इन फ्यूचर अगर मुझे ये कहीं बाहर किसी पार्टी फंक्शन में पहनना हुआ तो, और वीडियो के सामने ऐसे घर पर बैठ के तो मैं पहन सकती हूँ। नेक्स्ट इसका बॉटम वेयर है और ये एक प्लाजो टाइप का, प्लस ये जो प्लाजो की जो चौड़ाई है जो लेंथ है ना सब कुछ इतना परफेक्ट है। अच्छा इसका फैब्रिक है स्कूबा, आई डोंट नो ये स्कूबा कौन सा फैब्रिक होता है, मैंने कभी नहीं सुना ना ही मैंने इसका आज तक कभी कुछ मटेरियल लिया है इस कपड़े का, बट या आई जस्ट लाइक इट बिकॉज ये काफ़ी थिक मटेरियल का है। अगेन आप इस ब्लाउज का ना बहुत ही अच्छी तरह से मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं, आप इसको किसी स्कर्ट के साथ पहन सकते हैं, जीन्स के साथ वेयर कर सकते हैं, जो उसके साथ बॉटम वेयर मिला है उसके साथ तो आप वेयर ही कर सकते हैं। प्लस इसको आप एक सुंदर सी वाइट कलर की या क्रीम कलर की या ब्लैक कलर की साड़ी के साथ वेयर कर सकते हैं और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा इसकी पेयरिंग। एंड इसमें मेरा साइज है स्मॉल और अगर आप इसको हल्का सा विंटर में पहनते हैं कि आप मॉडर्न ड्रेस भी पहनना चाहते हैं लेकिन हाँ थोड़ा सा ठंड भी है तो आप इसको एक ब्लेज़र के साथ या कोट के साथ पहन सकते हैं, जो कि बहुत ही क्लासी लगेगा एंड बहुत ही अट्रैक्टिव भी लगेगा। द बेस्ट पार्ट कि मुझे इन सबके प्राइजेस लाइक मुझे ये 517 रुपये में मात्र मिल गया था, जहाँ पर आप एक अच्छे फैब्रिक का कुछ लेने जाओ तो आपको सिंगल पीस चीज़ नहीं मिलती है एंड यहाँ पर आपको दो पीस मतलब लाइक टू पीस चीज़ मिल रही है वो भी इतने अच्छे फैब्रिक के साथ, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी। एंड जैसे कि आप टॉप का बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं वैसे ही आप इसका जो बॉटम वेयर है उसका भी यूज़ बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। आप इसको किसी और टॉप के साथ वेयर कर सकते हैं, एक वाइट कलर के टॉप हो, ब्लैक कलर का टॉप हो, फुल लेंथ हो, हाफ हो, आप जैसे भी टॉप के साथ इसको कैरी करना चाहें आप कैरी कर सकते हैं, इट विल लुक क्लासी। मुझे अपनी इन सारी परचेज में सबसे अच्छी परचेज ये लगी थी बिकॉज इसको मैं बहुत ही मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकती हूँ, 517 में मुझे बहुत ही बेस्ट चीज़ मिली है। अच्छा मैं फर्स्ट टाइम कोई क्लॉथिंग हॉल कर रही हूँ या क्लॉथिंग रिव्यू कर रही, तो अगर कुछ ना बता पाऊँ या कुछ ऊपर नीचे हो जाए या फिर कोई भी कैसी भी मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ करिएगा एज ए मेरा फर्स्ट ट्रायल है। एंड लास्ट परचेज़ ये है एक गिफ्टिंग आइटम, मतलब इट्स नॉट गिफ्टिंग आइटम बट मैंने इसको गिफ्ट करने के पर्पज़ से ही ख़रीदा है और ये एक टाइप की मिडी है और अगर आप पुराने ज़माने की लैंग्वेज में बोलो तो ये एक टाइप की फ्राक है और ये कुछ इस तरह की लग रही है जो कि मुझे बहुत प्यारी लगी। एक्चुअली में मैंने इसको गिफ्टिंग पर्पज से लिया है बट मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगी कि इसका एक पीस मैं भी मंगाऊंगी एंड दिस इज़ फ्रॉम श्याम संगनी क्रिएशन एंड अगेन पोलका डॉट है तो मुझे पोलका डॉट वैसे भी बहुत प्यारा लगता है। अभी जो मटेरियल है वो क्रेप मटेरियल में, यहाँ पर पीछे आपको बेल्ट मिल रही है जिसे आप अपने बैग को टाई कर सकते हैं। इसमें बस मुझे एक चीज़ लगी कि इसमें कहीं पर या तो साइड में या फिर बैक साइड में एक जिप अगर होती तो आई थिंक ये मोर कन्वीनियंट होता आपको फिट होने में। इसमें काफ़ी सारे साइजेस अवेलेबल हैं लाइक एक्स्ट्रा स्मॉल से लेके आपको ट्रिपल एक्सल तक अवेलेबल है, तो आप अगर किसी भी फिगर के हो ना
आप इस तरह की ड्रेस जरूर पहन सकते हैं। एंड या इसको मैं अपनी बॉडी पर डालकर नहीं दिखा सकती हूँ एज ये फॉर गिफ्टिंग है इस वजह से, बट या अगर जिसके लिए मैंने लिया है वो पहनती है तो मैं डेफिनेटली दिखा दूंगी, अगर वीडियो उसके बाद में जाता है तो, और अगर पहले चला जाता है तो आप ऐसे ही देख लीजिए, मैं आपको ऐसे ही दिखा देती हूँ। इसके जो गला का साइज है ना, नेक साइज, वो बहुत ही ज़्यादा सही है, मतलब ऐसा कुछ नहीं लगेगा कि बहुत डीप है एंड आप झुक रहे हो तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर की रिक्वायरमेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी जो लेंथ है वो बिलो टू नी है, बट अगर आप थोड़ा सा भी डिस्कम्फर्ट होते हैं तो यू कैन वेयर इट विद एनी काइंड ऑफ पैंटी हाउस, उसके साथ आप बहुत अच्छे से इसको कैरी कर सकते हैं। ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल सी ड्रेस है जो मुझे बहुत अच्छी लगी, एंड आई होप कि ये पूरा कलेक्शन आपको भी काफ़ी पसंद आया होगा। और मैंने सोचा कि इस टाइम दिवाली का मौसम है तो क्यों ना थोड़े बहुत कपड़े ले लिए जाएं और आप लोगों से भी शेयर कर लिए जाएं, क्योंकि दिवाली वगैरह में सभी को आई थिंक नए कपड़े लेने पड़ते हैं या लेने का मन होता है, क्योंकि अलग अलग टाइप के फेस्टिवल्स होते हैं और दिवाली, और दिवाली के आसपास का जो सीज़न होता है वो पूरा फुल ऑफ फेस्टिव होता है। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये क्लॉथिंग हॉल एंड क्लॉथिंग रिव्यू फ्रॉम मी जो पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, इस पर कमेंट करिएगा, इसको लाइक करिएगा और इसको और लोगों को शेयर भी करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, कीप स्माइलिंग ऑलवेज, बाय।